हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बनाएंगे गार्लिक की चटनी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है गार्लिक, आप देख सकते हो हमें ज़्यादा ही क्वांटिटी में गार्लिक चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पूरा गार्लिक लिया है और दूसरा थोड़ा कट कर दिया है गार्लिक को छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हमें इसकी चटनी बनानी है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। आप चाहे तो कोई भी डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल वाले डाले हैं, तो मैं इसको कूटूंगी अच्छे से। उसको कूटना है, उसकी चटनी बनानी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अच्छे से कूट चुकी है। लहसुन भी, और लहसुन और चटनी एक दूसरे के साथ एब्जॉर्ब हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने एक तपेली लिया है छोटी वाली, उसमें मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी चटनी के हिसाब से। तो गैस को ऑन करके मैं तपेली को रख दूंगी और फ्लेम को लो कर देना है ताकि तेल है वो जल ना जाए। और तुरंत ही वो कटे हुई लहसुन डाल दूंगी, उसको फ्राई करना है चटनी के साथ। तो ये लहसुन खाते टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं लहसुन। तो मैं तपेली को इसी स्टेज पे नीचे ले लूंगी और उसी के साथ मैंने जो कूटी हुई चटनी थी वो भी डाल दूंगी। हमें नीचे उतार के ही डालना है ताकि चटनी है वो जल ना जाए। बाद में स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी और मिक्स कर देना है इसको। और उसी के बाद हमें धीमी आंच पे गैस पे रखना है और उसको हिलाते रहना है 1 मिनट के लिए। तो इसी स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है। तो ये मेरी चटनी बन के रेडी है गर्मा गर्म। आप रोटी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।